स्वागत है साहेब। आप सबको मैं नमन करता हूँ और इतना खचाखच हॉल भरा हुआ मैंने कभी नहीं देखा जितना आज देख रहा हूँ। ये जो छींटे हैं कहीं कहीं खालीपन के, ये बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि खालीपन होता है तो भरने की जिद, जो जिद्दी लोग होते हैं पागल हम जैसे, वो फिर सोचते हैं कि इसको भर के दिखाऊंगा कभी। तो थैंक यू वेरी मच ऐसा वाला हॉल रखने के लिए। और मेरे मन में ये भी बात आ रही है कि क्या हॉल बना रखा है। तो जितने भी प्यारे लोग मेरी तरह आज नहा धो के और अच्छे लग रहे हैं उनको मैं नमन करता हूँ। और जितने हमारे बड़े यहाँ आए हैं हमें ब्लेसिंग देने, उनको तो मैं इतना नमन करता हूँ, इतना मानता हूँ कि बस मैं क्या बोलूँ साहेब। ये नई उड़ान एक बहुत ही प्यारी परिकल्पना है मेरी, और मैं चाहता हूँ कि हर जन्मदिन, बहुत ज़्यादा गिनती की दुकानें हैं, बम्बई बहुत महानगर है, फिर भी गिनती की दुकानें हैं लोखंडवाला साइड, जुहू, बैंड्रा साइड पे। उन्हीं दुकानों से सबके केके आ रहे हैं, बलून भी वहीं से आ रहे हैं, और वहीं से कहीं कहीं जो फ्लावर शॉप हैं, अरे सुरेश वाडकर जी के यहाँ जाना है क्या? हाँ हाँ, हमको पता उनका एड्रेस, हाँ उनको ये लिली पसंद है। तो इस तरह के ये फिक्स हो गई हैं, एक सेमेट्री में, एक यूनिफॉर्मिटी में जी रहा है मनुष्य आज का। तो के हमारे मुख्य अतिथि पद्मश्री प्रसून जोशी जी हैं, मैं निवेदन करता हूँ कि वो आए, और पहले उनका छोटा सा सम्मान होगा, तत्पश्चात दीप प्रज्वलन होगा, और फिर उसके बाद आज का हैप्पी बर्थडे गाएंगे हिंदी वाला। थैंक यू मैम। दोस्तों ये प्रसून जोशी हैं, और जैसा कि पहले कहते थे ना, खेतान नाम ही काफी है, तो मेरे ख्याल से ये नाम ही काफी है, कुछ और कहना इनकी शान को कम करना ही है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। कैलाश जी सम्मान करें प्रसून जी का श्रीफल देके, मेमेंटो और ये शॉल, मैं माइक पकड़ लेता हूं। पहले तो कैलाश जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, एक तालियों से उनकी जन्मदिन का स्वागत है। आपका आभार कि आपने समय निकाला। कैलाश जी जो अपने जन्मदिन पे कर रहे हैं, कई लोगों को बड़ा देखकर आश्चर्य हो सकता है कि भाई अपने जन्मदिन में, तो जन्मदिन में मुब्तिला होना चाहिए, डूबा हुआ होना चाहिए, मस्त होना चाहिए। आज दूसरों की, दूसरे आपकी चिंता करें, दूसरे आपको मुबारकबाद दें, आप लेकर कहाँ ये एक दीप लेकर निकल पड़े। मुझे इससे ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मैं काफ़ी समय से कैलाश जी को जानता हूँ, एक कलाकार के नाते और एक इंसान के नाते, और मुझे लगता है कि उनमें एक स्वयं को निमित्त मानने की, स्वयं को एक जरिया समझने की हमेशा से एक भावना मैंने देखी। जब भी हम चर्चा करते, बातचीत करते, इसीलिए आप देखेंगे कि एक अल्हड़ता है उनमें, एक जिसे कहते हैं स्वतः स्फूर्त, एक उच्छ्वास है, एक जैसे कि एक धारा छूट पड़ती है और उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि उसे कैसे देखा जा रहा है, कैसे समझा जा रहा है, एक स्वच्छंदता, एक उन्मुक्तता, एक अनसेल्फ सेल्फ अवेयर जिसे कहते हैं, नॉट कॉन्शियस ऑफ द इंपैक्ट यू आर हैविंग इन द रिएक्शंस यू आर इवोकिंग, यू आर समवेयर लॉस्ट इन द मोमेंट आई थिंक, एंड आई थिंक इज वेरी वेरी कनेक्टेड विद द सोर्स। एक और चीज है, जब लक्ष्य की बात आई,
कि ये एक लक्ष्य ढूंढ कर चलते हैं, तो एक कविता मुझे याद आ रही थी कि लक्ष्य ढूंढते हैं वे जिनको वर्तमान से प्यार नहीं। अनुपम जी ने सुनी, लक्ष्य ढूंढते हैं वे जिनको वर्तमान से प्यार नहीं है, इस पल की गरिमा पर जिनका थोड़ा भी अधिकार नहीं। लक्ष्य ढूंढते हैं वे जिनको वर्तमान से प्यार नहीं है, इस पल की गरिमा पर जिनका थोड़ा भी अधिकार नहीं है। इस क्षण की गोलाई देखो, इस क्षण की गोलाई देखो, आसमान पर लुढ़क रही है। इस क्षण की गोलाई देखो, आसमान पर लुढ़क रही है। नारंगी तरुणाई देखो, दूर क्षितिज पर बिखर रही है। पक्ष ढूंढते हैं वे जिनको जीवन ये स्वीकार नहीं है, लक्ष्य ढूंढते हैं वे जिनको वर्तमान से प्यार नहीं है। नाप नाप के पीने वालों जीवन का अपमान न करना, नाप नाप के पीने वालों जीवन का अपमान न करना, पल पल लेखा जोखा वालों गणित पे यूं अभिमान न करना, पल पल लेखा जोखा वालों गणित पे यूं अभिमान न करना। नपे तुले वे ही हैं जिनको जिनकी बाहों में संसार नहीं है, नपे तुले वे ही हैं जिनकी बाहों में संसार नहीं है, लक्ष्य ढूंढते हैं वे जिनको वर्तमान से प्यार नहीं है। जी के लिए जोरदार तालियां। और श्री अनुपम जी और साहेब सुरेश वाटकर जी, पापोन जी और विकास आप भी, और अनुराग सुबोध सर हैं, साहेब भजन सम्राट श्री अनूप जलोटा गुरुदेव श्री अपने सुरेश वाटकर जी, इंडियन ऑयल से सुबोध जी या अनुराग जी हैं, कृपया वरना मैं अंग्रेजी बोलनी शुरू कर दूं। ये जुल्म जी। हाँ शायद आइए आइए, ये थोड़ा जल्दी से ये प्रारंभ भी करिए। कोई स्प्लैश से आए हैं, आए हो तो चुपचाप स्टेज पे आए। अनुराग जी आइए, जले हुए कोई जला, आहुति तो जले हुए पे जलानी पड़ती है ना। थैंक यू, हो गया सबको थैंक यू बोल के जी। शुक्रिया साहेब। प्रसून जी आप रुके, हमें आपकी जरूरत पड़ेगी जी। दोस्तों हम सबके ऊपर तीन तरह के ऋण होते हैं, तीन तरह के कर्जे, मां का ऋण, पिता का ऋण और ऋषि ऋण। ये ऋषि ऋण वो होता है जो हम जाने अनजाने सुन के सीखते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो प्रसून जी ने नीरज जी को सुन के या पढ़ के सीखी होंगी, ये कभी किसी से लिया नहीं गया लेकिन बस सीख लिया गया। तो ये जो ऋषि, मुझे बहुत खुशी है कि कैलासा हमारी प्यारी सी छोटी सी एक कंपनी है, उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इनको हम लोग एक इस मंच पर लेकर आए नई उड़ान के तहत। आपकी नजर एआर डिवाइन, एआर डिवाइन में इनका नाम आता है अभिषेक रचित का ए आर, और डिवाइन तो सारी दुनिया है ही है। बस स्पर्श को भी अभी बुलाएं। हाँ अब धीरे से स्पर्श भी आइए, स्पर्श करते हुए। हाँ स्पर्श आ जाएं आप, आपके लिए जोरदार स्पर्श। अरे वाह क्या बात, आइए। स्पर्श के भी बारे में सर मैं ये बताना चाहता हूं, ये निखिल हैं, ये सोहम हैं, ये राहुल हैं, ये वीरू हैं, और ये हमारा अजिंक्य है, अज्जू कहता हूं मैं इनको। ये स्पर्श जो है, इन्होंने बहुत लोगों को स्पर्श किया हुआ है, बहुत दिलों को, और आज भी ये पूरे तैनात हैं।
मतलब हैं ये सब यहाँ, जैसे मैं 30 साल का होके आया था बंबई में, अब मैं 45 का हुआ हूँ आज साहेब परमात्मा की दया से। जो काम हमारे साथी जब हम आए थे यहाँ, कईयों के बच्चे भी हो गए थे जो हमारे साथ पढ़े हुए थे, कईयों की शादी, बच्चे और पता नहीं क्या क्या हो गया था कईयों के साथ। तो मैं ये बता रहा हूँ, जो काम परमात्मा जब चाहते हैं वो तो तब होता ही है, लेकिन कुछ चीज़ें अगर समय से हो जाती हैं तो बात अलग हो जाती है, रौनक उसकी रोशनी अलग होती है। तो ये प्यारे म्यूजिशियंस AR डिवाइन एंड स्पर्श, दो बैंड ऑलरेडी हैं, लेकिन एक है दुनिया, एक टैक्सिंग करता हुआ जहाज होता है और एक होता है टेक ऑफ करता हुआ। ये टेक ऑफ का मंच है, क्योंकि इतने बड़े लोगों की ब्लेसिंग्स और इतने एक साथ प्यारे लोगों का स्माइल और एनर्जी इनको मिलेगी, तो फिर बात थोड़ा अंग्रेजी में जिसको होराइजन बड़ा हो जाता है वैसा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच के साथ आपके लिए स्पर्श एंड AR डिवाइन, दोनों बैंड तैयार हैं आज भारत के यहाँ खड़े हैं। यही भारत में जन्माए हैं, इसी मिट्टी से जन्मे हैं, यही पले फूले हैं, आप लोगों के हैं, आप हमारे हैं, आप हैं मनोज मुंतशिर और मैं कैलाश के। और खुशी की बात यह है कि उन्होंने ऐसे ऐसे कीर्तिमान किए हैं और मैं भी बावला बुरा जैसा भी हूँ आगे का। ये कैलाश मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं दोनों बैंड्स के लिए जिनका अभी लॉन्च होने वाला है। हमारे साहेब उनकी एल्बम लॉन्च करने के लिए आ गए हैं मुख्य अतिथि पद्मश्री प्रसून जोशी जी, और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और आप सबका आभार व्यक्त करता हूं जो इतने प्यारे मौसम में और चार चांद लगाने के लिए और हमारे मुख्य अतिथि साहब का स्वागत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। दिन के ऊपर ढेरों शुभकामनाएं। हरिओम कैलाश जी, नए युवाओं को, नए लोगों को एक अवसर दे रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही सुंदर बात है। जैसा कि मैंने कहा कि खुद अपनी सफलता में डूब जाना एक बात होती है, और फिर ये भी याद रखना कि मैं लौटाना चाहता हूँ, लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य नहीं है कि कैलाश जी ऐसा सोचते हैं, क्योंकि जो इनको अंदर से जानता है वो हमेशा इनकी जो भावनाएं हैं उनको समझता है कि कहीं ना कहीं इनके अंदर ये मूल रूप से है कि ये लौटाना चाहेंगे, देना चाहेंगे, लेकिन और लोगों को शायद इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और ये प्रेरणा के स्रोत हैं कैलाश जी, क्योंकि बच्चों को आगे बढ़ाना, इन्होंने भी एक प्रकाश पुंज की तरह अपना स्वयं रास्ता तलाश किया है और सामने आए हैं लोगों के। तो किस तरह से इन्होंने अपना जो है मार्ग प्रशस्त किया, उससे सीख कर ये इनको शायद कहीं एहसास रहा हो, हम इस पर चर्चा करेंगे अभी, कि शायद मेरे जो मैं कर रहा हूँ ऐसा कोई मेरे लिए कभी करता तो शायद मेरा मार्ग जो है वो ज़्यादा आसान होता, शायद मैं उन चीज़ों में मुब्तला नहीं होता जिन चीज़ों में शायद मुझे अपना वक्त नहीं बर्बाद करना चाहिए था, अपना वक्त शायद कला पे लगाता। तो ऐसा करना मुझे लगता है कि बहुत प्रेरणादायक काम कर रहे हैं, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इनका जन्मदिन है और ये शतायु हों, और भी अब तो जिस तरह का युग आ रहा है ऐसा लगता है कि अमरत्व की तरफ इंसान बढ़ता जा रहा है, कोशिश कर रहा है, तो आपको वो भी नसीब है। आप दोनों ही हमारे देश के अनमोल रत्न हैं सर, मतलब ये तो कहना पड़ेगा कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप लोग हमारी गरिमा बढ़ाते हैं सर। मैं इनके पद चिन्हों पर चलता हूँ, मैं इनका अनुज हूँ, इनका अनुगामी हूँ, इनका अनुसरण करता हूँ, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है साहेब। इनके जीवन की शैली, इनके काव्य की शैली, इनके वक्तव्य की शैली और इनके जीवन जो जीने का तरीका है, इनका आचरण, इनका सदाचार, इनका उदारता, उस सबसे मैं बहुत प्रेरित होता हूँ साहेब। अच्छा, जब आप किसी से प्रेरित होते हैं और वो स्वयं सामने दिख जाएं तो आप कैसे हो जाते हैं, किं कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, क्या करूँ क्या ना करूँ, तो बावले से हो जाते हैं हम। कई बार ऐसे बावलापन का फेस इन्होंने कर लिया हमारा वो रूप भी, तो ऐसे में ये नहीं, मतलब ये समझ लीजिए कि बस हालात मैका दे के करवट बदल रहे हैं, वो बहक रहे हैं और वो संभल रहे हैं। आप कुछ पूछना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे, संदेश
नहीं, संदेश यही है कि देखिए, संदेश ये है कि आज का जो युग है उसमें हम लोगों ने जब शुरू किया था काम, और कैलाश जी ने शुरू किया था, प्लेटफॉर्म्स की कमी थी। आज आपके सामने मंच की कमी नहीं है। आज अगर आपके सामने कमी है तो शायद हार्ड वर्क की और मंशा की कमी हो सकती है, लेकिन मंच की कमी नहीं है। आज आप जैसे लोग मंच प्रस्तुत करते हैं, डिजिटल मीडियम मंच प्रस्तुत करता है, आज मंच की कमी नहीं है। अगर अंदर से विश्वास है और प्रतिभा है तो मुझे लगता है कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।